हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है उन स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर सवाल किस तरह से होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में ट्रिक जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हुई, उस ट्रिक को याद करके आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की जो वैल्यूज है सेंटर ऑफ मास की उसको इजिली याद कर सकते हो, उनके ऊपर जो सवाल होते हैं उन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के ऊपर भी, उसके ऊपर इससे पहले बहुत ज्यादा मतलब बहुत सी बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यानी अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम्स बोल लो या कैविटी न्यूमेरिकल्स। अब सबसे पहले अगर देखो तो ये कैविटी क्या होती है, यानी कैविटी का मतलब क्या होता है, तो कैविटी क्या होती है बेटा, किसी भी पोर्शन से आप एक स्पेस निकाल लेते हैं या एक कुछ उस पोर्शन का कुछ पार्ट जो होता है बेटा उसको कट कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो उसको कट करने के बाद जो एम्प्टी स्पेस बचता है चारों तरफ से क्लोज होता है और बीच में एम्प्टी, जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसे बोला जाता है कैविटी। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे हमारे दांतों में जो कैविटी प्रॉब्लम होती है उसको बोल सकते हो, जो कैविटी होती है उसके हिसाब से आप इसके साथ डील कर सकते हो। यानी कैविटी का मतलब क्या है, एक पूरा पार्ट रहेगा या सब कुछ भी डिस्क है प्लेट है उसमें से आपने उसके अंदर से कुछ पार्ट क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर लिया। कुछ पार्ट रिमूव करने के बाद जो एम्प्टी स्पेस बचता है उस एम्प्टी स्पेस को कहा जाएगा बेटा क्या, कैविटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कैविटी प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कैविटी प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कैविटी प्रॉब्लम को एग्जांपल के तौर से अगर हम डील कर लेते हैं तो किस तरह से, तो मान लेते हो बेटा आपके पास सपोज टू भी एक डिश है, अच्छी बना देती, अब ये सपोज टू भी आपके पास क्या बेटा एक डिश है, चलो ठीक है आपके पास क्या बेटा ये डिश है। अब ये जो डिश है, इस डिश की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कौन सी डेंसिटी डिफाइन करोगे, लीनियर सरफेस कौन सी है बेटा, तो इसके लिए डिफाइन की जाएगी सरफेस मास डेंसिटी यानी सिग्मा। तो ये आपके पास क्या बेटा ये डिश है, डिश के लिए कौन सी डेंसिटी होती है सरफेस वाली यानी सिग्मा। अब ये जो डिश है इस डिश का सेंटर ऑफ मास या इस डिश का सेंटर ये रहेगा पूरी डिश का मान ली मैंने, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है इसको कंसिडर कर लेता हूं बेटा कितनी रेडियस होगी, ये 4a रेडियस कितनी आ गई बेटा, ये 4a रेडियस हो गई। अब ये रेडियस हो गया बेटा 4a और आपने क्या किया बेटा इसमें से ये बीच में एक जो पार्ट है इसको बढ़ा लेता हूं मैं, चलो ठीक है ऐसे कुछ पार्ट रहेगा, इस पार्ट को आपने क्या किया बेटा रिमूव कर लिया, ठीक है इस पार्ट को आपने क्या किया बेटा रिमूव कर लिया, इसका जो रेडियस रहेगी मान लेते बेटा वो a के बराबर, यानी a रेडियस वाला इतना सा पार्ट, इतना पार्ट आपने क्या किया बेटा रिमूव कर लिया। अब ये रिमूव करने पर ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये एम्प्टी स्पेस हो जाएगा और ये जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस को ही कहा जाएगा बेटा क्या, कैविटी। तो ये जो क्वेश्चन होगा अगर आप रिमूव कर लेते हो तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो जाएगा उसको बोला जाएगा कैविटी, और जो मास बचेगा बेटा ये इतने पोर्शन में मास बच जाएगा, तो ये रिमेनिंग पोर्शन के लिए आपको निकालना होगा बेटा सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अगर मैं सबसे पहले पूरे डिस्क को कंसिडर कर लेता हूँ, ध्यान सुनना, अब मैंने पार्ट रिमूव नहीं किया हुआ, जो पहले वाले डिस्क थी जिसकी रेडियस 4a थी वो डिस्क मैंने कंसिडर की, तो पूरे डिस्क को जब मैं कंसिडर कर लेता हूँ तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाया करेगा, यानी कहा बेटा बिल्कुल सेंटर में। अब मैंने क्या किया बेटा ए पार्ट वाला जो रेडियस है यानी ए रेडियस वाले पार्ट को मैंने क्या किया बेटा कट किया, ए पार्ट वाले मतलब जिसकी रेडियस ए है उतना पार्ट मैंने क्या किया बेटा कट किया, उस पार्ट को मैंने रिमूव कर लिया, वहां पे कैविटी फॉर्म हो गई। तो अब सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में रहेगा क्या, नहीं वो शिफ्ट कर जाएगा, तो बचे हुए यानी रिमेनिंग पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये हमारे लिए इजी सा सवाल बन जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक आपको डायरेक्टली ट्रिक के तौर पे आप उससे डील कर सकते हो और एक जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं उस मेथड से जाएंगे। कैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसके लिए अगर बात की जाएगी डिस्क के लिए आपको क्या डिफाइन करना होगा बेटा सरफेस मास डेंसिटी, तो इनके मास के ऊपर हमें कोई भी सवाल लेकर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें सोचना होगा।
अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ बेटा कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क का मास सपोज टू बी एम वन रहा होगा, तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा को हम लिखते बेटा एम अपॉन ए, मास पर यूनिट एरिया, तो ये जिसके ऊपर आ जाएगा एम इज इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा ना। यानी एम वन को क्या लिखूंगा यहाँ पे बताओ तो जरा, बोलो सिग्मा पाई, क्या आएगा बेटा ये सिग्मा पाई 4a का स्क्वायर, अरे यार आएगा कि नहीं आएगा, यानी कितना आ गया सिग्मा पाई 16a स्क्वायर के बराबर हो जाएगी m1 की वैल्यू। अब उसी तरह से आप m2 की वैल्यू खोल सकते हो, यहां से बताना जरा m2 यानी इस पोर्शन के लिए, तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा पाई a स्क्वायर के बराबर। M1 को लिखा मैंने क्या सिग्मा पाई 4a स्क्वायर, यानी सिग्मा पाई 16a स्क्वायर आ जाएगी M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा पाई a स्क्वायर के बराबर। तो ये मैंने M1 और M2 बना लिए। अब देखो मैंने क्या किया, ये पार्ट निकाल लिया, ये पार्ट अगर निकाल लेता हूं तो रिमेनिंग जो मास रहेगा, रिमेनिंग मास या रिमेनिंग पोर्शन का मास अगर मैं बात करूं, तो रिमेनिंग मास जो आएगा, रिमेनिंग मास जो आएगा वो कितना होगा, वो m1 माइनस m2 आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग मास कितना रहेगा बेटा m1 माइनस m2। तो आपको क्या करना है यार, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपके पास आ जाता है बेटा, उसको हम बोलते हैं निगेटिव मास। क्या बोला जाएगा, निगेटिव मास। अब अक्सर मास निगेटिव यानी क्या एग्जैक्टली, अब जो पार्ट हमने रिमूव किया था उसी पार्ट को उठा के यहां लेके आएंगे और सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि वो पार्ट जो होगा बेटा वो नेगेटिव मास था, यानी देखो क्या कर था m1 माइनस m2 के तौर पे सोचना है ना, नेगेटिव मास यानी m1 माइनस m2, यानी हमें इसको डील करनी होगी बेटा माइनस यानी नेगेटिव मास के साथ। कैसी डील करनी होगी, एज अ नेगेटिव मास। हम क्या करेंगे बेटा, फिर से बता रहा हूं कि ये फॉर्म कैसे हुआ, ये फॉर्म कैसे हुआ, डैश ना ऐसे कर ले, ये फोर ए वाला, ठीक है, डैश को क्या बता रहा हूं, ये फोर ए माइनस ये क्या आएगा बेटा, ये छोटा सा पार्ट, ये पार्ट आ जाएगा ए, ये दोनों जो बेटा उनको अब इसमें से इतना करने पर ये निकल के आएगा ना, इतना पोर्शन ऐसे कुछ आएगा। यानी हमने क्या किया बेटा, ये बड़े मास में से इसको निगेटिव है ना, ये इसको घटा दिया, तब ये बचा हुआ पोर्शन हमारे पास आया। तो यानी हम इसको ऐसे मानते हैं कि हमने यहाँ पे इतना मास माइनस कर दिया, यानी ये क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव मास आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी क्या है, बहुत ही सिंपल सी कहानी। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, सुनो तो क्या करो, इसका सेंटर अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला सेंटर है और इसका सेंटर ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जो दूरी आएगी ये कितनी हो जाएगी यार, 2a के बराबर, टोटल 4a है, तो ये 2a और बचा हुआ ये और ये दोनों मिला के कितना हुआ 2a, तो दोनों के बीच में दूरी आ गई बेटा कितनी 2a। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, यहाँ पे जो मास आएगा बेटा वो m1 रहेगा, यानी ये वाला मास सेंटर में पहले यहां था ना, तो यहाँ पे m1 होगा और यहाँ पे इसका सेंटर पर कितना आ जाएगा m2, यानी ये हुआ m1, ये हुआ m2 और इन दोनों के बीच में ये दूरी कितनी आ गई यार, बोलो कितनी आ गई 2a। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, किसका मास ज्यादा है, m1 ज्यादा रहेगा या m2 ज्यादा होगा, देख के बता सकते हो m1 ज्यादा रहेगा या m2 ज्यादा रहेगा, तो कौन ज्यादा रहने वाला है m1, यानी सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी यहाँ पे रहेगा बेटा सेंटर ऑफ मास, तो मुझे सेंटर ऑफ मास अब कहाँ मिलेगा, तो एक्स सी ओ एफ के ऊपर ही मिल सकता है ना। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर लू, एक्स सी ओ एफ का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये वाला फॉर्मूला था ना इसका, सेंटर ऑफ मास का। अब इसको मैंने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है, अगर मैं इसको ओरिजिन कंसिडर कर लूंगा तो यानी ये आ जाएगा बेटा एम वन एम टू जीरो। अब ये किस पे आ गया बेटा, माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, माइनस कितनी हो सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू कितना आएगा बेटा ये टू ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना बेटा एम वन, एम वन की वैल्यू बोलो एम वन कितना था 16,
बोलो कितना का है 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, अरे ये था क्या 16 सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस m2 की वैल्यू कितनी थी, m2 की वैल्यू बोलो कितनी है, m2 सिग्मा पाई ए स्क्वायर, बात समझ लो माइनस क्यू जुड़ के आ रहा है क्योंकि m2 माइनस में है इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। यानी आप ऊपर देखोगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा ऊपर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू, सॉरी मैंने यहां पे क्या लिखा है, 2a स्क्वायर लिखा क्या, ये डिस्टेंस कितना है यहां पे 2a, ठीक है 2a, यानी कितना आ रहा है बेटा, ये डायरेक्टली लिख सकते हो ए क्यूब के तौर पे आएगा ना, माइनस सिग्मा ये ए स्क्वायर और ये 2a क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब आ जा रहा है ना वो, क्योंकि डिस्टेंस जो थी बेटा वो ये मास है ना कितना माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर और दूरी कितनी x2 कितना लोगे, यानी अगर मैं बात करूं तो ये 0 0 हुआ और ये ओरिजिन से कितने दूरी पर है 2a, तो ये 2a तो आके दिया है तो ठीक है ये बिल्कुल सही है, ठीक यानी कितना आ रहा बेटा ये -2, ठीक है ना, सिग्मा सिग्मा बच रहा है यहाँ पे सिग्मा m2 सिग्मा है -2 सिग्मा पाई ए क्यूब, ठीक है अपॉन नीचे कितना बच रहा है बेटा ये आ जाएगा 15 सिग्मा पाई ए स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है ना, यानी यहां से देखो ये सिग्मा सिग्मा चला जा रहा है, ये पाई चला जा रहा है और यहां से ये ए स्क्वायर और ये, यानी बचा कितना बेटा -2a/15, ये बचा बेटा आपका आंसर कितना बेटा -2a/15, इसका मतलब ध्यान सुनना यहाँ पे कितना था यार, यानी ये सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था तो अब ये शिफ्ट हो गए यहाँ बच रहा है यहाँ आ रहा है, इसका मतलब कितने दूरी पर है यार ये 2a/15 पे, कितना बेटा 2a/15 पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये तरीका है बेटा, ये माइनस में क्यूब की जगह जाएगा कि आपने यहाँ पे सेंटर कंसीडर किया था ओरिजिन यहाँ पे कंसीडर किया था और यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो निगेटिव में इसलिए आंसर माइनस में है और कितना बेटा 2a/15, बात समझ में आई, कितना होगा वो 2a/15 होगा, तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का -2a/15 आपका आंसर होगा। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकती है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बोर्ड के ऊपर एक ट्रिक है और एक सवाल भी है और उस सवाल से हम इस आंसर को भी मैच करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ट्रिक ये है आपके पास कि अगर आपके पास एक डिस्क है, अगर मैं से बोल देता हूँ कि ये डिस्क है उसमें से आपने ये बी पोर्शन वाला जो बेटा मास उसको आपने क्या किया है इतना पोर्शन वाला जो मास है इसकी रेडियस बी थी उसको काट दिया, ठीक है ना, उसको क्या किया बेटा काट दिया, ये इसकी कंप्लीट रेडियस ए थी और फिर आपको बोला जाता है कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताइए वगैरह वगैरह इस तरह के सवाल बनते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो एक्स इको एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टोटल, ये आपके पास बन जाता बेटा सॉल्यूशन इस सवाल से डायरेक्ट। कैसे, एक एग्जांपल हम इसके ऊपर देखते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिखवा के दिया है, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर लेंगे और समझते हैं एग्जैक्टली क्या है, हो जाएगा ये सवाल हो जाना चाहिए। देखो क्या बोला गया है कि डिस्क ऑफ रेडियस ऑफ आर, क्या बोला गया है डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है कट अ सर्कुलर पार्ट, अब रैंडमली लिखा हुआ है कट अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस आर बाय टू, कितना पार्ट आर बाय टू वाला पार्ट कट करते हैं, सच अ वे इट्स वन एंड टच टू सेंटर ऑफ डिस्क, यानी उसका एक एंड जो डिस्क का सेंटर है उससे क्या कर रहे बेटा टच कर। अब कैसे होगा ये, मान लिया मैंने ये डिस्क है, ऐसी कुछ डिस्क है, अब ये जो डिस्क आपके पास है इस डिस्क की हम बात कर रहे बेटा, तो यहां से अगर मैं बात कर दू बेटा इसकी रेडियस कितनी बोली गई थी आर, इसकी रेडियस कितनी बोली गई थी आर, ये सेंटर, तो आपको बोला गया बेटा कितना पार्ट कट करना है आर बाय टू, और ये यानी ये रहेगा बेटा कंप्लीट मेथड
थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा इसे, ये कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, समझते हैं। तो आपने इतना पोर्शन क्या किया बेटा, कट करके ये सेट कर, कितना पोर्शन, ये कितना पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसकी रेडियस कितनी है यार बोलिए, ये कितनी है r बाय टू। ठीक है, इतना पोर्शन आपने क्या किया यार, कट कर। अब अगर मैं फॉर्मूले के तरफ से सोचता हूं तो ध्यान से सुनना क्या क्या बता रहा हूं, ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक, ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूले की तरफ से सोचता है, ये ओ बोलूंगा मैं इसको, ठीक है ओ बोल लेता हूं इसको मैं। और इस पार्ट को अगर मैं बात कर लू तो सपोज टू बी ओ, अगर इसको बोल लेता हूं या इसको अगर मैं बात करूं सेंटर, इसको वो बोल लेता हूं, इसको ए बोलूंगा, तो एबी जो आएगा ये वाला एबी, तो एबी जो आएगा बेटा वो एबी किसके बराबर आएगा, एबी आर के बराबर होगा। ध्यान सुनो क्या क्या बता रहा, और अगर ओबी जो आएगा बेटा, सॉरी एबी जो आएगा बेटा वो किसके बराबर है, आर के बराबर, और एओ जो आएगा बेटा वो किसके बराबर है, आर बाय टू के बराबर। और बचा हुआ ये जो पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, यानी अगर मैं बात कर लू तो सिंपल सा यार देखो, मैंने क्या किया बेटा कंप्लीट आर रेडियस वाले जो डिस्क थी उसमें से कितना पार्ट रिमूव कर लिया, आर बाय टू, तो एबी जो था कंप्लीट वो आर के बराबर है, ए वो जो है बेटा वो किसके बराबर है, आर बाय टू के बराबर है। और यानी अगर मैं डायग्राम के तौर पे सोचू तो ये जो आएगा, यानी ये जो एबी है जो आर है बेटा वो ए के बराबर होगा, आर बाय टू जो आएगा, आर बाय टू वो किसके बराबर होगा बेटा, R बाय टू, यानी R बाय टू आ जाएगा बेटा B के बराबर। और बचा हुआ जो पार्ट है यानी जो C पार्ट है, C क्या था, C था बेटा इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी, जो कि किसके बराबर है, R बाय टू के बराबर ही, क्योंकि इसकी रेडियस फुट में कितनी है यार, R बाय टू ही है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी फुट में, R बाय टू। तो अगर मैं ऐसे बोल लेता हूं AO यही सी होगा और यही बी होगा, तो कोई गलत बात थोड़ी है, बात समझ में आती है, यही सी होगा और यही बी होगा, अगर ऐसे हुआ तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आपके पास है, बी स्क्वायर बाय सी, बी स्क्वायर बाय सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आर बाय टू है क्या, इसको एक मिनट में चेक कर लेता हूं, शायद अगर गलत हुआ तो आंसर अलग निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आर बाय टू ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, दोनों हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है, यानी यही हमारा बी होगा और यही हमारा सी होगा, यानी यहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं, आर बाय टू। चलो कोशिश करते हैं बेटा, एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इनटू सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या क्या आपके पास, ध्यान से सुनो, अब बी स्क्वायर जो है वो बी कितना है, आर बाय टू है, तो मैं इसको लिखूंगा आर बाय टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी, सॉरी माइनस ने मल्टीप्लीकेशन में इंटू सी, क्या तो सी भी तो कितना है आपका, देखो बी स्क्वायर इंटू सी है, सी भी तो कितना है, आर बाय टू है, ठीक है, अपॉन अपॉन बोलो लिख से बी स्क्वायर, यानी अगेन आर बाय टू का स्क्वायर माइनस ये कितना है, आर स्क्वायर, यानी कितना है बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय फोर, आर स्क्वायर बाय फोर इंटू ये आर बाय टू अपॉन, ये आ जाएगा कितना यार बोलो, आर स्क्वायर बाय फोर माइनस आर स्क्वायर, ये बचा। अब इस पोर्शन को अगर मैं यहां पे सॉल्व कर दू तो कितना है बेटा, आर क्यूब बाय एट अपॉन, ये कितना बचा आपके पास, आर स्क्वायर बाय फोर माइनस आर स्क्वायर, ये बच रहा है। आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाय एट अपॉन, कितना है देखो, आर स्क्वायर
माइनस फोर आर स्क्वायर बाय फोर, यानी कितना होगा ये आर क्यूब बाय एट अपॉन कितना आ रहा है, देखो माइनस के तौर पे आ रहा है ना वो माइनस थ्री आर स्क्वायर बाय फोर, यही तो आएगा देखो आर क्यूब बाय एट ठीक है अपॉन माइनस थ्री आर स्क्वायर बाय फोर, यानी अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर देखो आप कितना होगा वो आर क्यूब बाय एट ठीक है इंटू माइनस कितना होगा वो फोर उछल के ऊपर जा रहा है फोर अपॉन माइनस थ्री आर स्क्वायर ये बच रहा है। तो यहां से देखो ये कितने से जा रहा है बेटा ये दो से जाएगा, यहां से ये आर क्यूब है ये आर स्क्वायर और यहां पे आर बचा है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना आ रहा है बेटा आर ठीक है माइनस के तौर पे आर अपॉन माइनस कितना बेटा सिक्स मतलब सॉरी माइनस के तौर पे माइनस आर बाय सिक्स आएगा, यानी एक्स सी ओ एम आपके पास आ जाएगा बेटा कितना माइनस आर बाय सिक्स। अगर एक्स सी ओ एम माइनस आर बाय सिक्स आ रहा है यानी वाई सी ओ एम की वैल्यू जीरो है तो माइनस आर बाय सिक्स का मतलब कहा होगा ये देखो ये साइन है ये आपने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ था सॉरी ये आपने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ था ये वाला पोर्शन आपने माना था इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ठीक है, अब इसको मैंने ओ माना था आप इसको ओ मान के चल सकते थे कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी इससे निगेटिव में होगा यानी माइनस आर बाय सिक्स का मतलब ये टोटल रेडियस आर है ना तो यहाँ पे कोई पोर्शन लाई करेगा यानी यहाँ पे कहीं तो भी ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है कितने दूरी पर आर बाय सिक्स दूरी पर, यानी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इससे। अब यही सवाल आप पिछली वाली जो मेथड हमने अप्लाई की थी उस पिछले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे आप इजीली भी बता सकते हो। चलो ट्राई करते हैं, यानी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया था माइनस टू ए बाय फिफ्टी ठीक है, सो माइनस टू ए बाय फिफ्टी हमारा जो आंसर आया था उसे सॉल्व करके देखते हैं, यही पे लिख देता हूँ बेटा कितना आंसर था हमारा माइनस टू ए बाय फिफ्टी, इसको देखते हैं चेक कर लेते हैं कैसे चेक कर लेते हैं तो डायग्राम के तौर पर मैं बात कर लेता हूँ तो हमारे पास जो डिस्क थी बेटा ये वाली डिस्क थी ठीक है और फॉर्मूला जो था हमारे पास वो क्या अभी ए सी ओ एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ठीक है बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला था। अब यहाँ पे बी यानी क्या था यार बी पोर्शन है कौन सा पोर्शन वहां पे क्या माना था बी यानी जो ये वाला ये यानी बी के जगह क्या लिखूंगा बेटा ए स्क्वायर और सी क्या आ जाएगा सी देखो सी पोर्शन कौन सा था ये और ये इन दोनों के बीच में ये दूरी सी थी ना कितनी होगी यहां से देखो ये कितना था के बीच में टू ए यानी ये आ जाएगा इंटू टू ए अपॉन आगे बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस अब ए यानी कितना बेटा फोर ए का स्क्वायर यानी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर यानी आ जाएगा टू ए क्यूब अपॉन ठीक है ये कितना आ रहा बेटा फिफ्टीन ए स्क्वायर माइनस के तौर पर यानी अगर आप देखो तो यहां से ए स्क्वायर चला जा रहा है और ये यहां पे चला जाएगा यानी देखो टू ए अपॉन माइनस फिफ्टीन ये रहा बेटा आपका आंसर टू ए माइनस टू ए अपॉन फिफ्टीन माइनस के तौर पे ठीक है माइनस टू ए अपॉन फिफ्टीन यानी देखो जो सवाल आपने कितने मेथड मतलब कितना टाइम लगाया हुआ ये पूरा ढूंढा इसके बाद फॉर्मूला लिखा पूरा डिराइव कर लिया और उसके बाद आपका आंसर मिला था इस फॉर्मूले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इस तरह के सवाल के लिए इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो दो स्टेप के अंदर आपका आंसर बन जाएगा ठीक है इसलिए ये ट्रिक है इसको आप ध्यान से देखना इसको याद रखने की कोशिश करना ठीक है। तो कैविटी के ऊपर और किस तरह के सवाल बन सकते हैं इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।